नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों ने शपथ ले लिए हैं और ये वो 110 चेहरे हैं कानपुर महानगर के जिन पर शहर के विकास की बड़ी जिम्मेदारी होगी। आज ये सभी चेहरे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और ये सभी 110 चेहरे ये वो हैं जिन पर काफ़ी जिम्मेदारी होगी। बेसिक जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको निभाने की तमाम पार्षद यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर है, जो बड़े नेताओं ने आप लोगों से कहा है उनसे क्या सीखा जा रहा है? हमारे जो एक हमारी महापौर जी ने एक बात कही है कि हम लोगों ने जितनी मालाएं पहनी हैं उतनी मालाओं का एक एक फूल का हक हम लोग को अदा करना है। जनता की सेवा करते हुए एक एक जनमानस को ये लगना चाहिए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद बने हैं वो मोदी जी और योगी जी के लिए आए हैं। 2024 का जो हमारा लक्ष्य है उसको घर घर जाकर जो हमारा मूलभूत आधार है स्वच्छता सफाई और जो व्यवस्था है उसको हम लोग को देखना है एक एक व्यक्ति के पास जाकर। बहुत सारे पार्षद और हैं, बताइए विकास जी जो यहाँ से कहा गया मन से अब क्या क्या प्रायोरिटीज आप लोगों की रहेंगी, आप लोग अपने क्षेत्र में जाएंगे? जो अब लोग के शहर की मूल समस्याएं हैं, मेन जो पानी की रह गई थी, सीवर की रह गई थी, अब की बार हम सब लोग पानी और सीवर की समस्या से शहर को निजात दिलाएंगे, यही संकल्प है। तमाम जो पार्षद चेहरे हैं 110 चेहरे आपको दिखा रहे हैं कि शपथ लेने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को भी दोहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो जब क्षेत्र में जाएंगे तो उनके लिए क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को कैसे पार पाना है। आज महापौर और शहर के 110 वार्ड के नवनिर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली है और अपनी प्रायोरिटीज को तय कर लिया है। हमारे शहर के विधायक विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी, हमारे छोटे भाई उप मुख्यमंत्री विजय पाठक जी, हमारे सांसद देवेंद्र भोले जी, सत्यव पचौरी जी, हमारी विधायिका हमारी बेटी नीलमा कटियार जी, देहात से मोहन भाई को, प्रकाश शर्मा भाई को और हमारे साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे सभी पार्षद भाइयों और बहनों, हमारे परिवार के जो हमारे जिले से हमारे गांव से आए हुए, मेरे पिताजी तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है लेकिन मेरा बड़ा भाई आया है, मैं अनुरोध करूंगी कि मेरे साथ मंच पर आए और सभी मैं जनता के हृदय से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तमाम पत्तियों से आप लोग खींच कर हमको लाए। मैं मंचा सिंह सभी का एक बार में फिर बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी भाभी प्रतिभा शुक्ला मंत्री और नहीं आई है, मेरे भाई आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ अनिल जी को और महेश भैया जो देखो भूल ही गए थे कल ही हमारा क्या करते कान पकड़ते, मेरे भाई कई बार से विधायक मंत्री, मेरे भाई महेश भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और यहाँ आए हुए अपने शहर के सभी गैतुल जो मेरे कार्यकर्ता थे मैं उनके बड़ों के चरणों में अपना सर धर के प्रणाम करती हूँ और छोटों को बड़े बड़े आशीर्वाद देती हूँ और दिल से और अम्मा फिर से मैं चाहूंगी कि आप वो नारा लगाओ कि कहो दिल से और अम्मा फिर से, एक नारा लगाया आप लोगों ने जीतेगी वो लाखों में लेकिन आप लोगों ने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और जो नारा अभी आप लोग लगाते हो कि जिसके साथ जमाना है उसका नाम माना है,
ये भी आप लोगों ने जिन्होंने ये बनाया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का, सांसदों का, विधायकों का, अपनी पार्टी का एक बात मैं जरूर कहूंगी आज कि मैं नहीं जीती हूँ, योगी साहब जीते हैं, मोदी साहब जीते हैं और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी जीती है। मंजा सिंह सभी हमारे सांसद विधायक जीते हैं, पूरा शहर जीता है। इतनी विपक्षियों के इतना झूठी अफवाहों के बाद हम लोग इतने मतों से जीते हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में मेरी जीत है। अब कल से हम अपने पार्षदों से कहूंगी कि हम लोग जितना माला पहने हैं ना उसको अब कल से चालू हो जाए शहर को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए। धन्यवाद। मैं फिर पुनः हमारे मुख्य अतिथि जी को, अपने और मुख्य अतिथि पाठक भैया को, जिन्होंने चुनाव में एक एक घर घंटी बजा बजा कर मेरे लिए टिकट मांगा है, ऐसे लोगों को मैं सलाम करती हूँ। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है जो मुझको दुनिया में लाए, लेकिन मैं अपने पति के चरणों में नमन करते हुए जिन्होंने इतने विश्वास से मुझको निकाला और आज उनके आशीर्वाद से मैं इस मुकाम में पहुंची, मैं उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। धन्यवाद। अपने शहरवासियों को बहुत बहुत प्रणाम करूँगी और सामने खड़े अपने सभी मीडिया के अपने बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और छायाकार बच्चों को, सबको, अपने नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय, पूरा नगर निगम परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।